हेलो दोस्तों, आज मैं आपको एप्पल डिवाइस के अंदर जो पेडोमीटर सेंसर होता है उसके बारे में कुछ जानकारी देने जा रहा हूँ। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिए। आप देख रहे हैं टेकी प्रशांत, तो चलिए देखते हैं। तो अब हम देखते हैं कि एग्जैक्टली आईफोन के अंदर ये पेडोमीटर कैसे काम करता है। तो अगर आपके पास आईफोन 5S या तो फिर कोई भी नया मॉडल है तो उसमें ये पेडोमीटर का फीचर्स होता ही है, लेकिन एग्जैक्टली आईफोन के अंदर ये पेडोमीटर का इम्प्लीमेंटेशन स्लाइटली डिफरेंट है। यानी जो आपके आईफोन के अंदर जो मेन प्रोसेसर होता है, आपको पता ही होगा कि एप्पल का जो प्रोसेसर होता है A8, A9, A10, A11 वगैरह जो चिप होती है वो मेन चिप होती है ऑपरेशंस के लिए, लेकिन उसके साथ में एक एक्स्ट्रा चिप दी गई है, उसका नाम है मोशन को प्रोसेसर। तो वो जो चिप होती है वो एग्जैक्टली ये पेडोमीटर वगैरह का जो है वो काम करती है। तो ये मोशन को प्रोसेसर चिप होती है वो आपके डिवाइस में अलग अलग जो सेंसर होते हैं उसके डेटा रीड करती है। फॉर एग्जांपल एक्सेलरोमीटर, जायरोस्कोप, वो अलग अलग सेंसर से कलेक्ट करके उसे एनालाइज करती है। एनालाइज करके बाद में डिसाइड करती है कि आपकी जो बिहेवियर वो क्या है, आप चल रहे हैं, आप दौड़ रहे हैं या तो फिर जंपिंग वगैरह, वो जो आपकी बिहेवियर डिसाइड करती है। और वो डेटा कुछ थर्ड पार्टी एप्लीकेशन वगैरह वो डेटा का यूज़ करती है और उसके हिसाब से आपको कुछ रिजल्ट वगैरह दे सकती है। तो अगर आप अपने आईफोन डिवाइस के अंदर मोशन सेंसर एक्टिवेट करना चाहते हैं तो आपको सिंपली जाना है सेटिंग्स में। सेटिंग्स में से जाना है प्राइवेसी और बाद में मोशन एंड फिटनेस, और उसमें फिटनेस ट्रैकिंग आपको ऑन करना है। तो जैसे आप उसे ऑन कर देंगे तो आपके डिवाइस के अंदर ये जो मोशन क्रो प्रोसेसर चिप है वो आपके डिवाइस का जो भी मोशन हो रहा है उसके डेटा रिकॉर्ड करना शुरू कर देगी। और उसके साथ में आपको आप देखेंगे कि इसके नीचे भी आपको अलग अलग एप्लीकेशन मिल जाएगी। डिपेंड है कि आपके डिवाइस में कितनी एप्लीकेशन इंस्टॉल है। अगर आपने कोई एक्स्ट्रा फिटनेस एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं की है और लेटेस्ट वर्जन है तो आपको अपने डिवाइस के अंदर हेल्थ एप्लीकेशन तो मिल ही जाएगी, आपको उसे ऑन करना है। यानी जो मोशन को प्रोसेसर के थ्रू जो भी डेटा कलेक्ट हो गए, उसे एनालाइज हो गए, वो डेटा आपके डिवाइस में जो हेल्थ एप्लीकेशन है उसे रीड करेगी, और रीड करके हेल्थ एप्लीकेशन के अंदर आप अलग अलग रिपोर्ट देख सकते हैं। तो जैसे ही आपने अपने डिवाइस में मोशन को प्रोसेसर यानी फिटनेस ट्रैकिंग एक्टिवेट कर दिया, और बाद में अगर आप अपने डिवाइस को लेकर थोड़ी देर चलेंगे वगैरह, कुछ डे टू डे एक्टिविटी करेंगे, दो तीन दिन के बाद आप जब हेल्थ एप्लीकेशन के अंदर जाएंगे तो वहाँ पे आपको अलग अलग रिपोर्ट्स मिल जाएंगे और उसको उसके अंदर आपको डिटेल मिल जाएगी कि आपने कितनी वॉकिंग की, कितने स्टेप आप चले, या तो फिर आप कोई एलिवेशन पे जा रहे हैं जैसे ग्राउंड फ्लोर में से टॉप फ्लोर पे जा रहे हैं या स्टेयरकेस के थ्रू जा रहे हैं तो आपको उसमें ये भी डिटेल मिलेगी कि आपने कितने स्टेप स्टेयरकेस में अप वगैरह किया। अप्रोक्सीमेट डिटेल मिलेगी, एग्जैक्टली पॉइंट टू पॉइंट यानी सेंटीमीटर टू सेंटीमीटर डिटेल नहीं मिलेगी। तो लेकिन ये आपको एक ब्रीफ आइडिया मिल जाएगा कि अप्रोक्सीमेट पर डे एवरी डे आपने इतना स्टेप्स चला, इतनी बार दौड़ा वगैरह। और दूसरी एक चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है कि अगर आप ज़्यादा एक्यूरेट रिजल्ट लेना चाहते हैं मोशन को प्रोसेसर के थ्रू, फॉर एग्जांपल आप जॉगिंग पे जा रहे हैं तो कोई फिटनेस एप्लीकेशन यूज़ करते हैं, तो अगर आप वो एक्यूरेटली मेज़र करना चाहते हैं तो आपको पता ही होगा कि एक फिटनेस बेल्ट वगैरह भी आता है, वो आर्म बैंड बेल्ट बोलते हैं उसे, तो अपने आर्म पे वो बांध देना है और उसके साथ में अपना आईफोन है वहाँ पे लगा देना है, तो वो जो रीडिंग होगा वो ज़्यादा एक्यूरेट होगा। क्योंकि अगर आप हाथ में लेके चलेंगे तो बहुत सारी अलग अलग मोशन भी उसमें डिटेक्ट होते जाएंगे और हो सकता है उसमें ज़्यादा एक्यूरेट रिजल्ट नहीं मिले। तो एग्जैक्टली आईफोन के अंदर जैसे मैंने बताया कि एक स्पेसिफिक पेडोमीटर सेंसर नहीं होता, लेकिन मोशन को प्रोसेसर होता है और वो मोशन को प्रोसेसर के थ्रू पेडोमीटर का जो डिटेक्शन होता है। लेकिन कुछ डिवाइस ऐसे भी होते हैं जिसमें स्पेशली पेडोमीटर सेंसर होता है, वो सिर्फ पेडोमीटर का ही रीडिंग मिलता है, लेकिन ये मोशन को प्रोसेसर एक एडवांस प्रोसेसर है और उसमें पेडोमीटर से भी बहुत ज़्यादा रीडिंग मिल सकता है। इसलिए आईफोन के अंदर ये सेंसर का यूज़ किया गया है, ये चिप का यूज़ किया गया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो उसे लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल का आइकॉन आता है उसे भी टैप कर दीजिए, तो जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँगा तुरंत आपको अपने डिवाइस में उसका पुश नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप मेरा नया वीडियो देख पाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।